पिछली वीडियो में हमने देखा कि गोपियों के सौभाग्य मद से अप्रसन्न होकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। जब गोपियों को ज्ञात हुआ कि प्रभु अंतर्ध्यान हो गए, तब उनके मद का मर्दन हुआ। गोपियां आकुल व्याकुल हो गई, पूरे ब्रजमंडल में प्रभु को ढूंढने लगी, अत्यंत दुखी हो गई। उनकी अवस्था बिगड़ने लगी, उनकी विरही दशा सिद्ध हुई और प्रभु के न मिलने पर रुदन करने लगी। रुदन के अश्रुओं से एक कुंड की रचना हुई जो रुद्र कुंड कहलाया और गीत गाया जो गोपी गीत कहलाया। जब प्रभु के विरह में गोपियों ने गोपी गीत गाया, तब उनकी विरही दशा सिद्ध हुई और विरह के फल स्वरूप प्रभु पुनः गोपियों के सन्मुख प्रकट हुए। श्री विठलनाथ जी स्वरूप से प्रभु प्रकट हुए। आपके दो श्रीहस्त कटी पर स्थित है, एक श्रीहस्त की हथेली गोपियन के सन्मुख है, जिनका भाव यह है कि प्रभु हस्त में आईना दिखा रहे हैं और मानो गोपियन से कह रहे हैं कि तुमको कदाचित लग रहा कि मुझको तुमने खो दिया, जाको स्वयं के मन में तुम, मैं तो तुम्ही में बस रहा। Thank you.